हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेन डेयर टू इवोल्व न्यू। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये तीन ब्यूटीफुल से DIY। आई एम श्योर आप सबको पसंद आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये फॉइल पेपर रोल, जिसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसको मैंने एक छोटे और एक बड़े पार्ट में कट कर लिया है, और अब हम इन दोनों का बेस बना लेंगे। छोटे वाले पार्ट से हम पेन स्टैंड बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक क्ले ले ली है, ये टेलकम पाउडर है, इससे क्ले मेरे हाथों में चिपकेगी नहीं, और बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स बना लेंगे और इस पे चिपकाते जाएंगे। साथ साथ वाटर की हेल्प से आपको इसे स्मूथ करते रहना है। छोटे बच्चों को मिनियंस बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आप क्ले से ही बनाओ। आप अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस पे मिनियंस ग्रो करके और उसे पेंट कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। इसके फिनिशिंग भी हम साथ साथ ही करते जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको साथ साथ ही कट कर देना है। सेफ्टी पिन की हेल्प से इसकी पॉकेट लाइनिंग बनाएंगे। बहुत इजीली बन जाएगी, और क्ले से ही हम छोटे छोटे बटन्स बनाने वाले हैं। एकदम रियल बटन वाली शेप हमें इसे देनी है। अब हम इसे कुछ घंटे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से ड्राई होने के बाद ही हम इसे कलर करेंगे, और यहाँ मैं ये कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर मिक्स किया है और ग्रे कलर बनाया है। I hope you are enjoying the video. और ये मार्कर की हेल्प से इसके आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे पेंट कर लेंगे। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, और ये हमारा क्यूट सा पेन स्टैंड रेडी है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ। जो बड़े वाला पार्ट है उसका हम बनाने वाले हैं ये फ्लावर वास। इसके लिए मैंने ले ली है ये विनाइल शीट,
ये मैंने अपनी टेबल पे लगाने के लिए मंगवाई थी अमेजोन से, तो ये उसी में से बचा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पेंट भी कर सकते हैं, पेंट करने के बाद भी ये अच्छा लगेगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये रखी हुई थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी शाइनी भी है, ये देखिए इसमें यहाँ पे स्टिकी होता है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और बहुत ही धीरे धीरे इस पर चिपका देंगे। ये जो विनाइल शीट है इसका यही फ़ायदा है कि ये किसी भी सरफेस पे ईजीली स्टिक हो जाती है, वुड पे, वॉल पे, कार्डबोर्ड पे, सब चीज़ों पे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे ताकि ये थोड़ा अजीब ना लगे। और इसके साथ ही हमारा ये सेकेंड DIY भी रेडी है, जो कि बहुत ही ईजी था। फ्लावर्स डालने से पहले हमारा जो वास है हम उसे नीचे से थोड़ा सा हैवी कर लेंगे। उसके लिए मैंने इसमें कुछ पेबल्स डाले हैं, आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फ्लावर्स डालने के बाद ये गिरे ना। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ, बोतल कैंडल होल्डर, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने ऑलरेडी इन बोतल्स पे जूट रोप रैप कर ली है और ये मैंने कुछ ड्राइड लीव्स ले लिए हैं। आप चाहें तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स या फिर लीव्स यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं क्ले की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर कुछ इस तरह से इनपे स्टिक कर दूंगी। और फिर इन्हें पेंट कर लूंगी। अब हम इन्हें थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हम इन्हें बोतल्स के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, अब ये मैंने कुछ आर्टिफिशियल लीव्स लिए हैं, इनको भी मैं बोतल के अंदर डाल दूंगी। और ये दो कैंडल ली हैं, ये बोतल के साइज से थोड़ा सा बड़ी हैं तो हम इसे कट कर लेंगे। बोतल के साइज के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे ताकि ये इजीली इसमें फिट हो जाए। और इसी के साथ हमारा थर्ड DIY भी कंप्लीट है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।